मीरपुर न्यूज़ पर स्वागत है आपका। जी हाँ, लॉकडाउन के मद्देनज़र गृह मंत्रालय ने बहुत ही शानदार आदेश आज जारी किया, जिसमें मजदूरों और छात्रों को राहत दी गई है। नई गाइडलाइन जो आई है वो इस प्रकार है दोस्तों, कि देश भर में जो कोरोना वायरस है उसके संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। इसी वजह से कई लोग एक दूसरे राज्य में फंस गए हैं। इन फंसे हुए जो छात्र हैं, मजदूर हैं, टूरिस्ट हैं और श्रद्धालु हैं, इनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री जी हाँ अमित शाह ने इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत जो आदेश है, घर में ले जाए जाने से पहले लोगों का मेडिकल किया जाएगा। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत घर ले जाए जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, साथ ही दूसरी जगह जाने ले जाने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा। जब लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा दोस्तों। राज्यों को आपस में बात करनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने के लिए SOP की तैनाती करनी होगी। वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों को राज्यों को आपस में बात करनी करके इधर उधर ले जाया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। आदेश के अनुसार ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा। बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इन सभी लोगों को बैठाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाया जाएगा और बस के भीतर बैठाने के बाद में जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां लोकल हेल्थ अथॉरिटी उन्हें देखेंगे, उनकी मेडिकल स्वास्थ्य की जांच करेंगे। जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जरूरत न होगी तो उन्हें होम क्वारंटाइन 14 दिन का रखा जाएगा दोस्तों। इस जो गृह मंत्रालय के जो आदेश आया उससे जो प्रवासी राजस्थानी भाई हैं, जो पिछले करीबन लॉकडाउन लगने से लेके अब तक अपने अपने राज्य में वापस आना चाह रहे थे, भले वो महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, चाहे आंध्र से हो, चाहे तमिलनाडु से हो या कहीं पे भी हो, तो वो जब वापस आना चाह रहे थे अपने राजस्थान में तो काफ़ी अधिकारियों से संपर्क साध रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऐसा आदेश नहीं था, फुल्ली लॉकडाउन था तो सभी फंसे हुए थे। अब उनके लिए एक नई बात खुली है। तो दोस्तों बने रहिए सुमेरपुर न्यूज़ पर, सुरक्षित रहिए, घर रहिए, क्योंकि ये जो कोरोना वॉरियर्स है, जो भी है, जैसे फ्रंटियर्स पर जो खेल रहे हैं, उन सब के लिए आप सेफ रहें तो वो आपके लिए ही लड़ रहे हैं दोस्तों। इसलिए कम से कम आप घर रहें, सेफ रहें। बने रहिए सुमेरपुर न्यूज़ पर, पल पल की खबरों के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों सुमेरपुर न्यूज़ को।